लीवर किस कोशिका का बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीवर। लीवर से संबंधित रोग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस रोग। निम्नलिखित में से कौन क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीवर। निम्नलिखित में से कौन रक्त को जमाने का कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीपेरिन। लीवर द्वारा निर्मित प्रोटीन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। गर्भ में पल रहे बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। और दोस्तों आपको बता दें कि यकृत के मिसोडर्म में रक्त का निर्माण होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण यकृत द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। मल का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिलुरुबिन के कारण। बिलुरुबिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीवर के द्वारा। बिलुरुबिन की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीलिया रोग, जिसे हेपेटाइटिस ए भी कहा जाता है। पित्त रस का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिली वर्डिंग के कारण। पित्त रस का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत के द्वारा। पित्त रस का भंडारण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय में। पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8। अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीवर। ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कौन परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। यदि लीवर कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में किसकी मात्रा कम हो जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का, क्योंकि इनका निर्माण लीवर से ही होता है। यदि लीवर कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों का। कार्बोहाइड्रेट को फैट में कौन बदलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। फैट को कोलेस्ट्रॉल में कौन परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीवर। शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीवर में। यदि कोई व्यक्ति जहर खाकर मर जाता है तो उसका पता किस अंग से चलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीवर से। अत्यधिक शराब पीने से यकृत का कौन सा कोशिका नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कूफर सेल।